हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मु सर्वप्रथमे मोर परमाराध्यतम गुरुदेव ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराजंकर पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणाम जनाई तांकर अहेतुकी कृपा भिक्षा करुछि। तत्पश्चात समस्त भक्तवृंद मातृवृंदंकु मोर यथाजोग्य प्रणाम। आमने भक्ति सम्बन्धरे श्रवण करुछि, भक्तिर महिमा भी श्रवण कले। आज श्रवण करिबा ते भक्ति राज्य रे प्रवेश करिया को हेले भक्तिर द्वार सदृश भक्ति रूपी मंदिर र द्वार सदृश हेला शरणागति, जो विषय आम किसी श्रवण कर भगवान जो कथा कहते भगवद गीता रे माम एकम शरणं ब्रज, मुई भगवान मुई सर्वसमर्थ ईश्वर मुई सृष्टिकर्ता मुई तुमर रक्षाकर्ता मुई तुमर पालनकर्ता मोर शरण ग्रहण कर। भगवान इडा भगवत गीता रे तांकर गोह्य उपदेश शिक्षा दे चिंते। आज आम श्रवण करिबा जो जो छ प्रकार शरणागतिर आचरण रहिला सबुठ मुख्य हला
प्रतिकूल वर्जनम भक्तिर प्रतिकूल वस्तु को ग्रहण वर्जन करिबा भक्ति करिबा बळे पा जो भक्त भक्ति साधन करुचि बा भगवानकर चरम भक्ति प्राप्त करिबा को चाहूचि ताकु कोउ जिनिस को वर्जन करिबा पडिबो त्याग करिबा पडिबो भक्तिर प्रतिकूल वस्तु एभळे अनेक जिनिस रहिचि जो कि भक्तिर प्रतिकूल अर्थात भक्तिर विरुद्धात्मक भक्ति विरोधी कार्य भक्ति विरोधी संग भक्ति विरोधी स्थान काल पात्र ये सब को त्याग करिवा पड़िबो जदि आमे भक्तिर प्रतिकूल वस्तु को वर्जन करि पारिबा नहीं त्याग करि पारिबा नहीं तबे आमे शरणागति राज्य रे आगु को बढ़ी पारिबा नहीं आम शरणागति ही संपूर्ण हबनी तराम भक्ति राज्य रे पशिबा किमिति प्रवेश करिबा किमिति भक्ति प्राप्त करिबा किमिति एई सब शिक्षा आजिकालि के ही देउ नहंती सेति पई आमे आज श्रवण करि आसिल रूप गोस्वामी पाद कृपा करिकि एक सरल शब्द रे बुझेई देछंती जे भक्ति प्राप्त करिया को चाह तले भक्तिर अनुकूल वस्तु जिमिति ग्रहण करिवा आवश्यक सिमिति भक्तिर प्रतिकूल भाव को त्याग करिवा सेतिक आवश्यक तुम तांकर जो उपदेशामृत ग्रंथ रे से प्रारंभ रे कहउछंती ते प्रथमे छटा बेग को दमन करिवा पड़िबो जोटा कि भक्तिर अत्यंत प्रतिकूल विरुद्धात्मक जदि ये छटा बेग को दमन न कर भक्ति नष्ट हो जीव भक्ति बढ़ी पार ना तुम्हें शरणागति ही करी पार ना ते प्रथमटा कौन से श्लोक है बाचो बेगम मनस क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगान जो विसहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् अर्थात श्री रूप गोस्वामी पाद कहिले जणे साधक भक्त यदि शुद्ध भक्ति राज्य रे प्रवेश करिया को चाहूची ताकु प्रथमे ए छटा बेग को प्रतिकूल बेग को दमन करिया पड़ी त्याग करिया पड़ी प्रथम कौन ना बाचो बेगम ये छटा बेग बेग अर्थात फोर्स आम भितरे ये छटा बेग आम को डिस्टर्ब कर छटा बेग को जी दमन कर किए से व्यक्ति को आए धीर एतान बेगान जो विषहेत धीर जी ए छटा बेग को दमन कर धीर अर्थात से बुद्धिमान को प्रकार बुद्धिमान ता पाखरे भोग अभिलाष नहीं मोक्ष अभिलाष नहीं बस सिद्धि अभिलाष नहीं भोग कामना रहित मोक्ष कामना रहित एपरिक सिद्धि कामना रहित ये व्यक्ति है धीर अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति सी को दमन कर एवं से संसार माया को से परास्त करी पारिबो अर्थात से मायार वशीभूत हब नहीं माया संसार द्वारा मोहित हब नहीं व्यक्ति ही शुद्ध भक्ति राज्य प्रवेश करी पारिबो छटा शत्रु आम मध्य रही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये छटा शत्रु जेतु विद्यमान अच्छा से मानी आम भितर ये छटा बेग जाग्रत हुए आम ताको दमन कले ही शरणागति राज्य प्रवेश शरणागत आचरण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आम अंतर
आम भितरे ए छ प्रकार शत्रु विराजमान करिसेंति। प्रथम होची काम, लस्ट, काम वासना, अतृप्त काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अत्यंत आसक्ति, मद, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या, परायणता। ये छ प्रकार शत्रु आम हृदय जो अच्छा छ प्रकार बेग उत्पन्न करुछंती, ये छ प्रकार से माने बेग उत्पन्न करुछंती। तेणु आम को शिखवाक पड़िबो ये छ प्रकार बेग को किमिति दमन करिवाक पड़िबो। ये होची भक्तिर प्रतिकूल भाव। जदि आम छटा बेग को दमन करिबा तेबे जाई आमे शरणागति राज्य प्रवेश करि परिबा, शरणागति को पूर्ण रूप से सुचारू रूप से आचरण करि परिबा। से प्रथम बेग होउछ कौन ना बाच बेगम, अर्थात कथा कहिबार बेग, कहिबार बेग, अर्थात यदि आमे निजर कहिबार जो बेग अछि फोर्स रही ताकु दमन न करंती बड़ अनर्थ हो जीव। आम देखी एटा आम पाई शिक्षा, आम पाई शिक्षा जे बाच बेग दमन करिबा केते आवश्यक। रामायण देखिबा एटा होची शिक्षा पाई। सीता माता तांकर कठोर वाक्य द्वारा से लक्ष्मण जे की पहरा दूथिले प्रहरी के रहितिले, जो लक्ष्मण की द्वारपाली रहितिले, हे तांकर कठोर उक्ति द्वारा द बाच बेगु जे दमन न करी थांते त लक्ष्मण जाइ न थांते बा ए सब अघटन रावण आसपार न थांता। एटु शिक्षा मिलुची जे बाच बेग कथा कहिबार बेग को दमन करिबा केते आवश्यक रहिछि। द्वितीय उदाहरण होची महाभारत रे द्रौपदी को कथा अछि। महाभारत रे इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थर जो मायापुरी रे जो समय दुर्योधन सेठी मोहित हो जाइतिला, से जल स्थल मध्यरे भेद जानी पारु नथिला, सिर्फ से समय द्रौपदी मुखर गोटे वाक्य बाहरी पड़ा। दुर्योधन सेठी स्थल भाग भाविकी से जल भीतर पड़गले, पुष्करणी भीतर पड़गले, एवं सेठी द्रौपदी देखी हसिले एवं मुखर बाहरी गला जे अंधर पुत्र अंध। तेणु यही जो वाक्यटी मुखर बाहरी गला जो कि दुर्योधन हृदय विदारण कला, अत्यंत आघात लगला। दुर्योधन हृदय प्रतिशोध अग्नि प्रज्वलित होगा, जहा कि प्रतिशोध नापाई दिन रात सी प्रस्तुत हला, और से प्रतिशोध अग्निर परिणाम हूँ महाभारत युद्ध, कोटि कोटि जीवंकर विनाश है। तेणु बाच बेग केते आवश्यक रही, बाच बेग को दमन करिबा तेबे जाए भक्ति राज्य प्रवेश करि परिबा। ए बाच बेग को दमन करिबा किपरि, ए बाच बेग को कहिबार बेग को दमन करिया को हेले सबुबले शास्त्र पूतं ब्रजेत वाक्यम, वस्त्र पूतं पिबेत जलम। शास्त्र पूतं, शास्त्र गीता भागवत हरिकथा नित्य निरंतर श्रवण करे, एवं जहा किछि कहुछ शास्त्र वाक्य द्वारा ताकु फिल्टर करिकि, ताकु पवित्र करिकि, ताकु प्रॉपर्ली मापी चुपी शास्त्र वाक्य द्वारा कथा कह। बाच बेगम
ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ତାର ଆଧାରରେ କିଛି କଥା କୁହ, ଉଚିତ କଥା କୁହ, ବାଚୁବେକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତା ବାଣୀକୁ ପଢ଼ିବ, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ବାଚୁବେଗ ଦମନ ହୋଇଯିବ। ବାଚୁବେଗ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଗ ହେଉଛି ମନବେଗମ। ବାଚୁବେଗ ମନସ, ଏ ମନ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଏ ମନ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ଏ ମନ ଆମର ମିତ୍ର। ଯଦି ଆମେ ମନକୁ ସଂଯତ କରିବା ତାହେଲେ ମନ ଆମର ହେଇଯିବ ପରମ ମିତ୍ର। ଯଦି ମନକୁ ଆମେ ସଂଯତ ନ କରିପାରିବା ଏଇ ମନ ହେଇଯିବ ଆମର ଶତ୍ରୁ। ଏବଂ ଏଇ ମନକୁ ଅସଂଯତ ହେଲେ, ଏଇ ମନର ବେଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦମନ ନ କରିପାରିବା ତେବେ ଆମେ ନେତ୍ରକୁ ଦମନ କରିପାରିବାନି। ନେତ୍ର ବେଗ, ଆଘ୍ରାଣ, ଶ୍ରବଣ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଦେଖିବା ନ ଦରକାର, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ତା କାରଣ ୟାର ପଛରେ ମନ ରହିଛି। ଯେ ମନକୁ ସଂଯତ୍ନ କରାଯିବ ତେବେ ହେଲେ ଆମେ ଏସବୁ ବେଗର, ମନ ବେଗର ଦାସ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଆଚରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଶରଣାଗତି, ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଛଅ ବେଗ ଭିତରୁ ଯେ ମନ ବେଗ, ଏ ବେଗକୁ ଦମନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳ ହି ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବଦୃଢ଼ମ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ମନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ, ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପ୍ରବାହମାନ ବାୟୁକୁ ଦମନ କରିବା ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବାୟୁ ବହିଯାଉଛି ପ୍ରବାହମାନ, ତାକୁ କିଏ ଧାରଣ କରିପାରିବେ? ମନ ସେହିଭଳି, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯଦ୍ୟପି ମନକୁ ଦମନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଅଭ୍ୟାସ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ସଂଯତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇ ମନ ହିଁ, ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ କାରଣ ବନ୍ଧମୋକ୍ଷ, ଏ ମନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୋଇଯିବ, ନର୍କକୁ ନେଇଯିବ। ଏଇ ମନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ତାକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ନେଇଯିବ। ଏଇ ମନ ବେଗକୁ, ଏ ମନ ବେଗକୁ ଆମକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଦମନ କରିବା? ମନରେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମନ ମନା ଭବ ସବୈ ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦୟରୁ, ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା, କେନୋପି ଉପାୟନ ମନ କୃଷ୍ଣ ନିବେଶୟତ। ମନରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶାବଳୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗାଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା, ମନ ଆପଣା ଛାଏ ସଂଯତ ହୋଇଯିବ। ମନକୁ ଦମନ କରିବା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯେ ହରିନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଶୋଇବା ସମୟରେ, ଜାଗ୍ରତ ସମୟରେ, ସବୁ ସମୟରେ, ତ ମନ ଆପେ ଆପେ ଦମନ ହୋଇଯିବ, ମନ ବେଗ ଦମନ ହୋଇଯିବ। ମନକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିପ୍ କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ, ମନର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତନରେ, ସ୍ମରଣରେ ମନକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର, ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ଇଏ ଅତି ସହଜରେ ହେଇଯାଏ, ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମନ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ମନ ସଂଯତ ହୋଇଯିବ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏ କଳିଯୁଗରେ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। ये जो महामंत्र, ये महामंत्र द्वारा मन अपना छह संजत है जीव। इगला मनोवेग बाच वेग मन वेग क्रोध वेग जिह्वा वेग उदर वेग उपस्थ वेग। ये क्रोध वेग को दमन करिबा अत्यंत आवश्यक। क्रोध वेग को किमें दमन करिबा? ये क्रोध वेग को दमन करिया कहले क्रोधर कारण को बुद्धिपूर्वक समीक्षा करिबा पड़ियो। जो कारण क्रोध आसी कहा को दोषी दबानी, निजर आपत्ति विपत्ति पाई कहा को दोष न दे। जदि आम निजर कर्म को निजर कर्म आम कर अर्जित कर्म को ही दोषी दवा क्रोध उत्पन्न हो ना। क्रोध से उत्पन्न कारण आम निजर कर्म को निजर कर्म को जो निजे निजे अर्जी ताकू दोष न दे अन्य को दोषी दौरान से क्रोध उपस्थित हो। क्रोध उपस्थित हबार कारण को आम समीक्षा करी गीता भागवत बाणी द्वारा ताकू समाधान करने को चेष्टा कर। क्रोध हबनी ये क्रोध को दमन करदेल आपे आपे काम बेग आउ देखा ना तो सहित तो कनेक्टेड रही। भगवान श्रीमद भगवत गीता रे कहते काम एस क्रोध एस रजगुण समुद्भव महासन महापापना विद्धि एनम इह वैरिणम। ये बहुत बड़ शत्रु ये रजगुण रु तेणु आमर आचरण आमर आहार विहार ये सब सात्विक हवा दरकार। ते रजगुण खाद्य सेवन कर रजगुण आचरण रहिबो लाइफ स्टाइल रे क्रोध केबे दमन हो नहीं। सात्विक ही रहा दरकार। क्रोधर कारण को बहुत सतर्क सहित ताकु बुद्धिपूर्वक भगवान दिया बाणी द्वारा ताकु आम त्याग करिया उचित एवं दोष को निज ना दरकार। जे मु ही निजर कर्म मोर कर्म ही तापाई दायी अन्य लोक को दोषारोप करिबनी क्रोध आसिबो नहीं। क्रोध शांत हो जी संक्षेप कहले क्रोध बेगम बाच बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम। से भली जिह्वा बेग मध्य अत्यंत प्रबल ए जिह्वा को संजत करिबा अत्यंत कठिन। जिह्वा को संजत करिवा किमिति? जिह्वा सब चाहूँ विभिन्न प्रकार स्वादर वस्तु को आस्वादन करने को चाहूँ जिह्वा बेग। किंतु जिह्वा को सब भगवान को प्रति निवेदित वस्तु को दबा द्वारा ये जिह्वा बेग अत्यंत सहज रे दमन हो जीव। जिह्वा बेग दमन हो गले अपना छाए उदर बेग उपस्थ बेग दमन हो जीव। माने अति सहजरे से शरणागति आचरण करि परिबे। आज मु एति कहि मोर वक्तव्य को विराम दौची। आगामी दिन रे आमे पुनी श्रवण करिबा जे किमिति एई भक्ति राज्य प्रवेश करिया कहले आमको शरणागति सुचारू रूपे आचरण करिया पड़े। हरे कृष्ण।